सो ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। सो आपका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में, और आज मैं बात करूँगा फोटोशॉप्स के बेसिक्स के, जो हर किसी को सीखने चाहिए। जब आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हो तो आपके सारे कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना है। और मैंने ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए आज का दिन चुना है, और फिर आज शायद कॉन्सेप्ट पोस्ट हो या ना हो, या होपफुली कल हो जाएगा। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एडिट करते हैं हर चीज़ को। तो मैं माउस ही यूज़ कर रहा हूँ इस बार, टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ ये फ़ोटो लोड करते हैं सबसे पहले, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप पर्पस होता है कि फ़ोटो उठाई आपने और डाल दी यहाँ पे, ठीक है। सो अब बात होती है कि ये फ़ोटोशॉप का लेआउट है सबसे पहला, ठीक है, जिसमें एक फ़ोटो आपने ओपन कर रखी है। तो कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे कर देते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ होती है, कभी हो जाती है। तो इससे डरे ना, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ लाएंगे तो ये नीले कलर के हो जाएंगे साइड साइड में, आप देख सकते हैं। तो ऐसे छोड़ देंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टैब होती हैं फोटोशॉप की, ठीक है। मैं इस टाइम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2020, और मेरा कंप्यूटर है मैकबुक, एप्पल मैकबुक प्रो है। सो 15 इंच 2015 वाला है ये, तो सब वर्जन है, कोई पुराना है ये, वैसे अराउंड 3 4 साल हो गए हैं इसे। अब होपफुली अपग्रेड करूँगा मैं बाद में। सो यहाँ यूआई होते हैं और ये होते हैं टूल्स, ठीक है। तो टूल्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये होता है मूव टूल, ठीक है। अगर लेयर, ये होती है बैकग्राउंड लेयर, मतलब सबसे पहली लेयर जो भी आपकी आएगी वो होगी बैकग्राउंड की। अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। अगर वो लेयर लॉक रहती है तो मैं इसे मूव नहीं कर पाता कहीं भी, पहले वो नॉर्मल में कन्वर्ट करने को मेरे को बोलता रहता, ठीक है। तो ये टूल आपको समझ में आएगा, इससे आप अपनी चीज़ों को मूव भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई PNG डालते हैं, जैसे वो करो, मैं QR कोड डाल रहा हूँ कि मुझे ये गेम है और मुझे QR कोड करना है। तो अब मेन है कि QR कोड मुझे छोटा भी करना है। यहाँ पे या तो आप कॉर्नर पकड़ के इसको कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर से। और कभी कभी होता है कि आप सही से नहीं कर पाते ये, तो आपका ये बटन प्रेस होना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं प्रेस होगा तो देखिए वो कैसे डिस्टॉर्ट और ख़राब हो जाएगी इमेज, आप सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप प्रेस कर दें तो इससे आप जो भी कॉर्नर से पकड़ेंगे तो वो प्रॉपर अलाइन रहेगी बिल्कुल रेशियो में, या ऑल्ट दबा के भी आप कर सकते हैं। तो ऑल्ट दबा के ये होगा कि ये दोनों साइड से कंप्रेस होगी, जितना आप इधर से कंप्रेस कर रहे हैं चारों साइड से भी उतनी ही उतनी कंप्रेस होगी। तो ऑल्ट दबाने का ये फीचर होता है। और एक होता है डिस्टॉर्ट, वो आप कमांड दबा के कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, वो एक साइड पे काम करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। फिर से मैं इंपोर्ट करता हूँ दोबारा इसी चीज़ को, तो ये यहाँ डाला। अब इसमें एक और फीचर आया नया, वो है ये, इसको कुछ बोलते हैं शायद, अभी आ जाएगा, वार्प मोड है ये। तो इसमें नया ये आया है कि आप जहाँ भी ऑल्ट प्रेस करेंगे वहाँ आप एक पॉइंट डाल सकते हैं कि मुझे यहाँ से डिस्टॉर्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से करना है तो यहाँ कर सकता हूँ। तो ऑल्ट दबा के वो पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज़फुल टूल है बहुतों के लिए, बहुतों के लिए नहीं भी है, तो डिपेंड करता है। ये टूल भी बहुत काम आता है आगे, वार्प मोड वाला। सो इसे हम अलाइन करते हैं सबसे पहले, और फिर मूव टूल यूज़ करके ये वाला, इसकी हम मदद से हम इसे मूव कर देंगे कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ ये लेयर डन हो गई है, और अब यहाँ पे आए हैं आप लेयर में, ठीक है। जब भी आप फोटोशॉप, मतलब आपका लैगी चल रहा हो, या आपको लगता है कि शटर कर रहा है यार नहीं चलता, मेरा भी कभी कभी होता है, तो मैं ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये आपको आइकन ढूंढना होगा हर लेयर में। अगर आपके लेयर में ये आइकन है तो इसे बोलते हैं हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये दोबारा से एक नए डॉक्यूमेंट में खुल जाएगा। तो मतलब फोटोशॉप इसके लिए भी कैसे क्रिएट कर रहा है, तो हमें ये रिमूव करनी होती है। तो इस पर क्लिक करके ब्रश के लिए B बटन दबाएं और इस लेयर के ऊपर प्रेस करना है आपने। जैसे ही आप प्रेस करोगे वो कहेगा रेस्टराइज करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, तो आपको क्लिक करना है ओके, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। या तो आप यहाँ से आके भी रिस्टाइल लेयर कर सकते हैं राइट क्लिक दबा के, तो
तो इतना मेरे को जाना डीप में सही नहीं लगता, मैं डायरेक्ट ब्रश से प्रेस करके कर देता हूँ। तो और मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिर उस पर वर्क भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे कुछ पेंट वेंट करना है इसमें, ठीक है। तो और कंट्रोल ज़ीरो जब आप प्रेस करेंगे तो आप रिसाइज कर सकते हैं, कमांड माइनस प्लस से आप इस फोटो को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़े से बेसिक थे, ये मूव टूल के थे। उसके बाद आता हूँ मैं सेलेक्ट टूल पे, ठीक है। सेलेक्ट टूल से आप कुछ भी चीज़ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे या नहीं ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप एक स्क्वायर टाइप, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को, तो आप स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेप्स होती हैं, और शिफ्ट और ऑल्ट बाकी एलिप्टिकल के लिए भी होगा कि आपको सर्कल बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अपनी आइज़ में लेंस शिफ्ट और ऑल्ट दबा के माउस को ड्रैग करता हूँ तो एक सर्कल बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अब इस पे क्या करूँगा, एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। ये न्यू लेयर होता है, ये न्यू फोल्डर, और ये इफेक्ट्स, ये मास्क और ये इफेक्ट्स होते हैं, और ये डिलीट करने के लिए होता है लेयर को। तो यहाँ मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर दिया, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और फिर राइट क्लिक करूँगा मैं, तो राइट क्लिक में स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक से क्या कर सकते हो, आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे 5 पिक्सल की मुझे करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 पिक्सल की एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो कमांड डी सेलेक्ट से आप ये हटा सकते हो, ये जो जिगजैग डॉटेड डॉटेड लाइंस है। तो यहाँ आपका एक सर्कल क्रिएट हो गया है। तो यही सर्कल मैं अपनी आईज़ में यूज़ करता हूँ क्रिएट करने के लिए अपने आई लेंस। मैं कहीं से उठाता नहीं हूँ क्योंकि बाकी आई लेंस मुझे गंदे लगते हैं। और फिर जब इसे आपको रिसाइज करना हो कि मुझे ऐसा नहीं मुझे वैसा चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक मिनट मैं रैम क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप लेंस क्लियर करेंगे अच्छे से, बिल्कुल सर्कल बना लेंगे, तो इसके बाद इस पे ग्लो लेयर को डुप्लीकेट 2-3 करके फिर गॉजियन ब्लर डालेंगे। तो वो भी मैं अभी कंसेप्ट कवर करूँगा, लेकिन बेसिकली आज मैं पूरे टूल्स पे बात करूँगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पूरे फिल्टर और इन सब में भी बात करूँगा मैं। सो यहाँ रैम क्लियर हो गई है। सो इससे आप मूव भी कर सकते हैं, जब आप इसके पास लाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये देख सकते हैं ऐसे मूव करने के लिए भी है, ठीक है। इधर लाएंगे तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज। अभी मैंने ये प्रेस कर रखा है तो वो सारी तरफ से बिल्कुल रेशियो में रहेगा, ठीक है। तो होप आपको इस सर्कल का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। और जैसे कई लोगों को मास्क में प्रॉब्लम होती है, तो मास्क अगर मुझे चाहिए कि आई में ये वाला पार्ट ना आए, ऊपर वाला नीचे नीचे का पार्ट आए, तो मैं यहाँ से मास्क क्लिक करूँगा और मास्क मैं देखूँगा यहाँ वाइट कलर का है, तो अब मुझे ब्लैक से पेंट करना है। ब्लैक पेंट करने के लिए यहाँ आप डी प्रेस करेंगे ना, तो ये आपके, जैसे मैंने यहाँ कोई कलर ले रखा है, तो डी प्रेस करते ही वो वापस से ब्लैक एंड वाइट पर स्विच कर देगा। तो यहाँ मुझे एक्स दबाना है, और एक्स दबाते ही यहाँ मेरे पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, और फिर ब्रश पे आना है, और फिर मुझे धीरे धीरे पेंट करना है। तो मास्क का ये फ़ायदा होता है। अब इरेजर का क्या घाटा होता है कि आप ये चीज़ वापस नहीं ला सकते हैं। मास्क में आप जैसे ही वापस वाइट से पेंट करेंगे तो वो चीज़ भी वापस आ जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये समझ में आया हो आपको, ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं मैं ये सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल के लिए मतलब जैसे आपको ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, विचर को सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका होता है कि आप ऐसे धीरे 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 ऐसे मैन्युअली खुद ही सेलेक्ट करते जाएं अच्छे से, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ अभी मैं ब्रश को छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और फिर ड्रैग करने से लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑल्ट दबाऊँगा तो उस सेंटर के अंदर, ये देख सकते हैं आप, जब मैं ऑल्ट दबाऊँगा तो वो माइनस बन जाएगा, और जब ऑल्ट छोड़ूंगा तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस से सिलेक्शन हो रहा था और माइनस से डी सेलेक्ट होगा, तो माइनस से यहाँ डी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है एक रफ़ सिलेक्शन लेने के लिए जल्दी जल्दी। तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, कमांड डी सेलेक्ट से मैं इसे हटा देता हूँ। कमांड मतलब कंट्रोल, सेम होता है। मैक में कमांड होता है और पीसी में कंट्रोल होता है, तो ये चीज़ आप दोनों याद रखें, ठीक है। और यहाँ पे होता है एक सेलेक्ट सब्जेक्ट, जिसे आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट भी कर लेगा,
ठीक है, तो यहाँ ऑटो सिलेक्शन बहुत अच्छा है हो गया है फोटोशॉप का, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर सेलेक्ट एंड मास्क में जाके यहाँ आपको स्मार्ट रेडियस पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद नीचे आना है और यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर देना अपने 10%, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रश को छोटा करके और यहाँ से मास्क करना है अच्छे से, ये कि हेयर सेलेक्ट हो जाए। तो ये हेयर सेलेक्टिंग के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ अभी, वैसे तो ये बाद में बताना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेयर का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो गया है, और अगर मैं मास्क करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब उसे रिफाइन करने की ज़रूरत है, बाकी सिलेक्शन बहुत परफेक्ट आया है मेरा, इतनी दूर से कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब वापस आते हैं, कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स से रीडू अंडू, नहीं तो यहाँ एडिट में जाके ये है रीडू अंडू, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का तो कुछ ज़्यादा समझाना नहीं आपको आता है, और ये कलर भी कप पिकर है। ब्रश में जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो कलर पिकर में बदल जाएगा, तो इससे आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ कलर आ जाएगा। जैसे ब्लैक मैंने सेलेक्ट करा, ये कलर वो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आता है हीलिंग टूल। हीलिंग टूल बहुत सही है, हीलिंग टूल के लिए भी मैं बताता हूँ अभी। फोटो ये वाली हटाता हूँ, लाइक ये वाली फोटो मैं लोड करता हूँ, ठीक है। ये स्पॉट दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से इसके मोड नॉर्मल में आऊँगा और कंटेंट अवेयर, ठीक है, और ये प्रेस करूँगा तो वहाँ से वो स्पॉट हट जाएगा। तो ये पिंपल्स रिमूव करने के बहुत काम आता है। कभी कभी ये वर्क सही करता है, कभी कभी नहीं करता है। मतलब जैसे मुझे यहाँ वर्क कराना है, तो ये देख सकते हैं आप, अब वो अलग से हो गया है। तो यहाँ मुझे यूज़ करना होता है नीचे वाला, तो ये होता है मैनुअल सिलेक्शन। मतलब मैं एक ऑल्ट दबा के कोई जगह को बताऊंगा कि मुझे यहाँ से सैंपल चाहिए, तो यहीं का ही सैंपल लेगा और वहाँ अपना आराम से पेस्ट करता रहेगा। तो ये लाइटन हो गया था गलती से, ये देख सकते हैं वो वहीं का सैंपल ले रहा है और वहाँ से पेंट कर रहा है। अब वो रिमूव होना कितना ईजी हो गया। तो ये चीज़ थी इन दोनों टूल में डिफरेंस, कि ये फोटोशॉप पे वर्क करता है, ये हमारे अपने डिफाइंड तरीके। और पैच टूल भी सेम ही है, इसमें भी आप ऑल्ट दबा के जहाँ ले जाना चाहते हैं आप वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट ही जैसे होता है, लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा ही हैंग हो रहा है। ये देखिए, अब जैसे मुझे यहाँ का चाहिए तो ये डायरेक्ट यहाँ ले गया, तो वो वहाँ चीज़ आ जाती है। तो ये भी सही है टूल, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता ऑफन, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बस। और ये है टूल कंटेंट अवेयर जो होता है हमारा, लेकिन इस टूल को मैं बहुत चीज़ें यूज़ नहीं करता, और मतलब मूविंग के लिए काम आता है ये ज़्यादातर, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। और जैसे ये है, आप देख सकते हैं ये पार्ट आराम से निकाल लिया मैंने, अब यहाँ ले गया, अब वो प्रेस करूँगा तो वहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे इतना यूज़ नहीं करता हूँ टूल को, क्योंकि मेरे को यही वाले दो टूल में इसकी सारी चीज़ें हैं, खूबी हैं, लेकिन सम पार्ट में हो सकता है कि आप कर सकते हो यूज़, लेकिन मुझे नहीं लगा ये यूज़फुल टूल मेरे लिए। ये तो ब्रश है सिंपल, ये तो हर किसी को पता है। स्टैम्प टूल भी सेम क्लोन टूल की तरह है, ऑल्ट दबाएंगे जहाँ से आप सैंपल लेंगे, ये वहीं की चीज़ें पेस्ट करता चलेगा, ठीक है। ऑल्ट दबा के सैंपल लिया जाता है, ठीक है। अब और ये हिस्ट्री ब्रश है, इसको तो कभी यूज़ ही नहीं करा मैंने भाई। और ये इरेजर है जो आपकी इरेजिंग के काम आता है हर चीज़, ठीक है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। और ये ग्रेडियंट मैप है, जैसे आप पेस्ट करेंगे, ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, अभी ये समझने वाली चीज़ नहीं है। और ये ब्लर है, शार्पन है, ये भी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़े एडवांस में आ जाते हैं चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर स्मज और ब्लर दोनों है। और शार्पन भी ऑफन यूज़ होता है, कि जैसे मुझे किसी पॉइंट पे शार्पनेस बढ़ानी है यहाँ पे आइज़ में, तो आप देख सकते हो कितना शार्प हो जा रहा है, तो शार्पन भी एक सही ऑप्शन होता है कभी कभी। जैसे यहाँ शार्पनेस डालनी है मुझे आइज़ में बस, तो शार्पनेस भी एक अच्छी चीज़ है। स्पॉन्ज से क्या होता है कि कलर फेडिंग आती है,
जैसे मुझे यहाँ कलर फेडिंग डाली है तो वो देख सकते हैं, रेड लिप्स को चेंज कर दिया है मैंने अपने हेलोवीन वाले कंसेप्ट में, ये सब डाला था जो मैंने गोस्ट वाला बनाया था अपना। तो स्पॉन्ज का बहुत यूज़ है, डिसेचुरेट करता है। और ये तो टेक्स्ट है, और ये पेन टूल है, इसका ट्यूटोरियल है पहले से मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, ये बस जस्ट सिलेक्शन के लिए होता है, और ये मैनुअल सिलेक्शन होता है, और ये सही होता है। सबसे बेस्ट सिलेक्शन यही है जो आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छे सिलेक्शन निकलते हैं, आप हमेशा इसी चीज़ को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद ये पाथ सिलेक्शन के लिए है, ये इतना यूज़ नहीं करता मैं। रोटेशन टूल बहुत ज़रूरी है, आर प्रेस करेंगे अपने कंट्रोल पे तो आप कैनवास को मूव कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग एलाइनमेंट। जैसे मुझे ये ऐसे वर्क करना है कैनवास पे, या मुझे ऐसे वर्क करना है, तो आर टूल बहुत काम आता है। सो रीसेट व्यू पे फिर आप क्लिक करेंगे तो वापस वहीं पे कैनवास आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जूम टूल है, ज़्यादातर मैं जेड दबा के प्रेस करके कर लेता हूँ ये चीज़ को, इतना मैं यहाँ तक नहीं जाता। और ये सिलेक्टिंग के लिए, मतलब उसी एरिया में आए आपकी इमेज, लेकिन यूज़ नहीं करता मैं इसे भी। और ये होता है मिक्सर ब्रश, यहाँ पे मिलेगा आपको, अंदर आएंगे ये रहा मिक्सर ब्रश, ठीक है। तो मिक्सर ब्रश से रिटचिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसके मैंने ट्यूटोरियल डाल रखे हैं पहले से, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ ऐसे देख सकते हैं। बस ये सेटिंग ऊपर वाली आप कॉपी कर लीजिएगा, सेम आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। सो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप मेरे ट्यूटोरियल में होपफुली थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँगा, मास्किंग और ओवरले जो चेंज होते हैं। जैसे मेरा ये लोगो है, तो यहाँ ये ब्लैक है, अब मैं इसको चेंज करना है अच्छे से वाइट में। तो यहाँ कलर ओवरले में आऊँगा, और मैंने यहाँ वाइट सेलेक्ट करना है, और ये वाइट हो जाएगा, और हिट ओके करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ब्लेंडिंग कैसे अच्छे से होती है। अब मुझे ब्लेंड करना है वहाँ पे, तो मैं यहाँ से अंडरलाइन लेयर सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबा के स्प्लिट करूँगा, तो वो देख सकते हैं आप ब्लेंडिंग कितने अच्छे से हो रही है। तो ये चीज़ मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको इधर से करना हो तो आप इधर से भी कर सकते हैं, तो जहाँ मर्जी से ब्लेंडिंग अच्छी आए आप वहाँ से ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली केसेस में यहीं से होती है। सो हिट ओके करेंगे, और फिर यहाँ मैं मास्क डाल दूंगा, जैसे इस लेयर को सेलेक्ट करा मास्क, और फिर यहाँ ब्रश, ब्रश को छोटा करूँगा मैं। अभी ब्रश मिक्सर ब्रश पे है इसलिए वर्क नहीं करेगा ये इस लेयर पे, आपको यहाँ से ब्रश पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना जाके, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं वाइट से पेंट कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा, ब्लैक करा है सेलेक्ट, तो अब जो भी होगी चीज़ें वो रिमूव होंगी। ठीक है, अब कई लोगों की प्रॉब्लम आती है कि वो जब सेव करते हैं इमेज को तो उनकी फ़ोटो डल हो जाती है। तो यार वो डल नहीं होती है, वो आपने सेटिंग गलत कर रखी है अपने लेआउट की। उसको हमेशा यहाँ जब आएंगे आप इमेज में, मोड में जाएंगे, तो यहाँ आपका वो CMYK होगा या लैब कलर होगा, ठीक है। तो उसे चेंज करके आपको हमेशा RGB कलर पे कर देना है, थोड़ा टाइम लेगा, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। RGB और 16 बिट चैनल या 8 बिट चैनल, अभी तो 8 बिट ही यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर इतना हैवी नहीं है, तो यहाँ 8 बिट मेरे लिए बेटर है। तो RGB और 8 बिट यूज़ करें, आपके कभी फ़ोटो डार्क नहीं आएगी एक्सपोर्ट के टाइम पे, ठीक है, एज इट इज़ आएगी जैसे आपको दिख रही है। सो थैंक यू गाइज, आपने मेरे ट्यूटोरियल को यहाँ तक वॉच करा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जिनको भी फोटोशॉप सीखना हो। और पिक्सआर्ट से नेक्स्ट लेवल होता है हमेशा फोटोशॉप, पिक्सआर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना डीप में नहीं है, उसमें कम है चीज़ें, हालांकि बहुत बंदे पे नहीं है कंप्यूटर, तो यार फाइंड करो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंप्यूटर अफोर्ड कर सको, क्योंकि इसमें बेस्ट एडिटिंग होती है। सो थैंक यू गाइस।